दीदारगंज आजमगढ़ खसान कला गांव स्थित बड़ी जनी माँ मंदिर परिसर के सटे पोखरे का पट्टा मामला हुआ गंभीर। खसान कला गाटा संख्या 720 को किया गया था पट्टा। मत्स्य पालन को लेकर सार्वजनिक जगहों को पट्टा किया गया। बता दें कि इस पोखरे में छठ पूजा और पूजा के तमाम कार्यक्रम सदियों से इसी पोखरे में चले आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दो दिन का वादा कर उप जिला अधिकारी ने पोखरे का निरीक्षण नहीं किया। मार्टिनगंज उप जिला अधिकारी बागेश कुमार शुक्ला ने ग्रामीणों से वादा किया था कि आके पोखरे का हम जांच करेंगे, लेकिन किसी कारणवश उप जिला अधिकारी की उपस्थिति ना हुई, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उप जिला अधिकारी बागेश कुमार शुक्ला का कहना है कि पट्टा अभी स्वीकृत नहीं किया गया है, आवश्यक जांच किए जा रहे हैं। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार बेनबंसी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मोहन राजभर, इंद्रपति सेवक, मंदिर पुजारी लालचंद्र दास, जयप्रकाश गुप्ता, पप्पू गुप्ता, रामदुलार यादव, सुशील कुमार यादव, मंजू गुप्ता, सुमन उषा, उर्मिला कतवारी, निर्मला दुलारी, सीता गुप्ता, प्रभावती आदि लोग उपस्थित रहे। दीदारगंज से डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह की स्पेशल रिपोर्ट, जीजीएस न्यूज 24 पर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहन राजभर है, मैं जिला पंचायत सदस्य पलथी वार्ड से प्रतिनिधि हूँ और ये खरसान कला में गाटा संख्या 720 बड़ी माता जी की मंदिर है। मैं पोखरी को पट्टा कर दिया जिसमें गांव की आस्था जुड़ी हुई है। इस पोखरी से नहा धो के लोग मंदिर में पूजा करते हैं, यहाँ शुद्धक तेरही सब कुछ होता है, जिसको मत्स्य पालन से पट्टा करने से गांव के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। गांव चाह रहा कि इस पट्टा को निरस्त किया जाए। इसको लेके हम SDM साहब से भी मिले और कब मिले थे SDM साहब? 14 दिसंबर को मिले थे। कहाँ तहसील पर? तहसील परिसर में। कहाँ तहसील है? मार्टिनगंज तहसील में। पत्र भी दिया गया था, उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया कि हम मौके पर आएंगे। प्रधान मौजूद थे, ग्राम सभा के लोग थे, अन्य लोग भी थे, उन्होंने कहा, लेकिन आज तक नहीं आए। इसलिए गांव के लोग आक्रोशित हैं और चाह रहे हैं कि आस्था की जगह है तो बरकरार रहे, इसको पट्टा ना किया जाए। पट्टा तो हो गया है, तो निरस्त कर दिया जाए, यही मांग है आप लोगों की, जो कि आस्था से जुड़ी हुई जगह है, इसलिए गांव चाह रहा है।